स्कूलों में शिक्षा को हर किसी को दी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से आईवी इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा के साथ बच्चों को लोगों की मदद करने की जो पहल करने को सिखाया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। इसी क्रम में आज आईवी स्कूल की प्राचार्या नंदनी यादव ने अपने स्कूल के बच्चों रहना में लाकर आप पास रह रहे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए प्रेरित किया एवं बच्चों ने भी जाकर अपनी अपनी चीजें जरूरतमंद गरीब बच्चों को दी, जिसमें कपड़े, जूस, फल, अन्य कई सामान लोगों दिया। सीखा हमें आगे बढ़कर लोगों की बिना भेदभाव से मदद करनी चाहिए, जिसमें कुपोषण के शिकार बच्चों एवं असहाय 60 से 70 बच्चों को खाने पीने की वस्तुओं का वितरण प्रधानाचार्य श्रीमती नंदिनी यादव के द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों से कराया गया, जिसमें झील की पुलिया, रैना की पुलिया के समीप स्थित बस्तियों के बच्चों में बंटवाया गया। कार्यक्रम संयोजक पावन शर्मा एवं आशीष शर्मा रहे। आज कार्यक्रम में यहाँ पर रखा गया, अभी हम लोग यहाँ रहना में आए हुए हैं और यहाँ पे बस कुछ जो बच्चे हैं, तो आज मेरे साथ जो हमारे स्कूल है आईवी इंटरनेशनल स्कूल, मैं उनके कुछ बच्चों को लेकर यहाँ आई थी। और उन बच्चों को जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ ये सिखाना है कि जो उनके आसपास के जरूरतमंद बच्चे हैं वो उनकी मदद करें, वो उनको फल दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं। तो आज उन बच्चों ने ही जो है यहाँ के जो ऐसे लोकैलिटी के बच्चे हैं जिनको आसानी से चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो उन बच्चों के द्वारा ही आज यहाँ पे फल और जूस उनका वितरण किया गया है। और यहाँ पे आज जो सबसे ज्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए, रहना में काफी जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल के संचालक गण, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके जो मेंबर है, काफी लोग आज इस कार्य में हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन सभी ने हमारी बहुत मदद की और आगे भी हमारी जो एसोसिएशन है, हमारे जो स्कूल संचालक गण हैं, उनके द्वारा आपको ऐसी चीजें लगातार देखने के लिए मिलती रहेंगी।